उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, राज्यसभा सांसद श्री परिमल नथवानी जी, बीसीसीआई तथा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारीगण, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव से जुड़े सभी पदाधिकारी, क्रिकेट प्रेमी, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा निर्मित विश्व ना सौथी मोटा क्रिकेट स्टेडियम नु उद्घाटन करीने मने खूब आनंद थयो छे। आ प्रसंगे हूँ तमाम देशवासियों अने खास करीने क्रिकेट चाहकों ने अभिनंदन पाठवूं छू। यह एक उल्लेखनीय सुखद संयोग है कि लगभग चार दशक पूर्व मोटेरा में निर्मित पहले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के शुभारंभ के समय मेरे पूर्ववर्ती तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी यहां आए थे और इस स्टेडियम निर्माण के पूर्ण होने तथा इसे राष्ट्र को लोकार्पित करने का सौभाग्य मुझे आज मिला है। गुजरात सरकार द्वारा इसी परिसर में बनाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव का आज भूमि पूजन करके भी मुझे बेहद खुशी हो रही है। धाना के पात्र मुझे बताया गया है कि यह स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा होने के साथ साथ सुविधाओं की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है। इस अत्याधुनिक और भव्य स्टेडियम की परिकल्पना व निर्माण योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तभी पूरी कर ली गई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संभाला और उनके कार्यकाल में इस स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। मुझे यह जानकारी दी गई है कि इस स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचों के लिए एलईडी लाइटिंग से रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के आयोजन के साथ आज से इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की शुरुआत हो रही है। मुझे विश्वास है कि यहां की अत्याधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने और दर्शकों को मैच देखने का विशेष अनुभव प्रदान करेंगे। इसीलिए यह सर्वथा उपयुक्त है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी अब हमारे देश में ही है। देवियों और सज्जनों, अन्य खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भी हमारे युवा बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम क्रिकेट की तरह अन्य खेलों के लिए भी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं।